हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये खिड़की लगा दो जरा, इससे आवाज़ कम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ना क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के इतने ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे थे। तो उन सारे कमेंटों का आप लोगों का रिप्लाई दूंगी कि जीजा जी क्यों नहीं आए, बच्चे क्यों नहीं आए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आप सभी लोगों का, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को मतलब डायरेक्ट बात करके रिप्लाई करूँगी। और मेरी बुआ जी भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ मेरी बुआ जी भी आप लोगों से बात करना चाहती तो वो अभी आ रही है थोड़ा सा फ्रेश होके। तो उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने कमेंट पढ़े आप लोगों के, एक आरती कुमारी करके बहुत सारे लोग हैं। जाओ अनिरुद्ध, बुला रहे आपको। अभी शादी वाला घर है ना, तो ऐसे बिल्कुल एकांत में जाके मैं ब्लॉग नहीं बना सकती ना वीडियो। सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। साइड में पेंट हो रहा है, देखो मेरे चाचा की आवाज़ देखो, साथ पेंट हो रहा है, तो बस वही उसी की खटपट आवाज़ चल रही है। तो सबसे पहला जो कमेंट था कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे हैं शादी में, तो मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आए थे कि इंगेजमेंट में क्यों नहीं आए। तो इंगेजमेंट में वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो बाहर थे, लखनऊ गए हुए थे, चेन्नई गए पहले, फिर उसके बाद वो लखनऊ गए, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे। और शादी में वो 10 दिन पहले से, 8 दिन पहले से क्या करेंगे आके, और इतनी उनको छुट्टी भी नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए वो 28-29 को यहाँ आएंगे और शादी भाई की 2-3 तारीख में, तो अपना कर आके चले जाएंगे। देखो हुआ तो मैं साथ में ही जाऊंगी। और आप लोगों ने कहा कि बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई, फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पर पीछे। और ये वाला जो घर है ना मेरा, मेरे सारे चाचा लोगों को जो घर है, उनके घर इतने नहीं ठंडे हैं जितना कि इस घर में ठंड लग रही है ना बुआ। अभी बुआ तो दूसरी साड़ी वाड़ी पहनने जा रही थी, तो इसलिए कपड़े चेंज गए। मैं सुबह से यहाँ पे ये अपनी गर्म साल और स्वेटर पहन के ही रह रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा ठंडा है यहाँ पर इधर। और आज भाई का गीत निकल रहा है, जो कि कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा, तो उसी के लिए बस तैयारी चल रही है। मैंने कहा एक छोटू सा ब्लॉग अपना क्वेश्चन आंसर वाला रेडी कर दूं आप लोगों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों कमेंट, जैसा कि अब मैंने बताया हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे, अब आप लोगों के सवाल थे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं शादी में बच्चों के बगैर। वाकई में बच्चों के बगैर सूना है, नहीं अच्छा लग रहा है। इंगेजमेंट में भी नहीं आए, इंगेजमेंट में वो इसलिए नहीं आए थे कि मैं अकेली आई थी, और अभी भी आई तो अकेली हूँ, पर अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, देख सकते हैं, दिखाऊँ आपको, इसको देखो ये। तो अभी क्या बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैंने बोला, मैंने कहा एप्लीकेशन लग जाएगी तो नहीं फाइनल हैं, और फिर हमारी सासू माँ की भी इच्छा नहीं थी। आप लोगों ने देखा है हमेशा मेरे ब्लॉग में कि देखो माइक तो नीचे ही रख दिया मैंने, माइक सोचा कि इससे बात करूँगी तो मतलब आवाज़ अच्छी आती है। तो आप लोगों ने हमेशा मेरे ब्लॉग में देखा है कि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी सपोर्टिव है, सासू माँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब वो लोग मना करते हैं ना किसी भी चीज़ को, फिर मैं मान जाती हूँ कि चलो ठीक है, अगर वो मना कर रहे हैं नहीं भेजना है उनको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर बच्चे आ जाएंगे। पर हाँ, मुझे भी बुरा लग रहा था कि पूरी शादी मेरे बच्चों की कहीं भी एल्बम में फ़ोटो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हाँ बुरा तो लग रहा था, पर मैं नहीं अपना मूड ख़राब करती हूँ कि हाँ क्यों नहीं भेज रहे हो बच्चों को ये वो। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर हस्बैंड ने कहा, फिर एप्लीकेशन लगाओ, बहुत वो हो जाता है, फिर फाइनली एग्ज़ाम है, तो इनके दादी बाबा सब लोगों ने मना कर दिया, तो बच्चे नहीं आएंगे, हस्बैंड आएंगे बस शादी में। और आप लोगों ने पूछा कि आपके सगे भाई की शादी है, तो हाँ भाई ये मेरा रियल भाई है जिसकी शादी है, और बहुत खुश हैं सब लोग। वैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे कुल 8-9 भाई बहन हैं, हम लोग मतलब 9 सिर्फ लड़के हैं इस घर में, सब चाचा ताऊ के कितने, हाँ 7 लड़के हैं और बहनें 9, 7 लड़कियाँ 9 भैया, अच्छा हाँ 7 लड़कियाँ, हमें तो भूल ही जाती हो, 7 लड़कियाँ हैं 9 भाई हैं। तो हम लोगों में कुछ ऐसा होता ही नहीं कि सगे और कजिन ये सब चीज़ें नहीं होती, सब सब भाई मेरे लिए एक समान ही हैं। हाँ पर आप लोगों के सवाल थे कि कौन से नंबर के भैया किसकी शादी, तो हाँ ये रियल भाई है, उनकी शादी हो रही है। अभी आपने देखा था प्रशांत की शादी में गए थे, वहाँ भी खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, वहाँ आप लोगों को एक बार भी फील नहीं हुआ कि ये मेरा सगा भाई नहीं है, वहाँ भी हम लोग, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे 5 चाचा ताऊ हैं और सबसे बड़ी वाली बुआ है, फिर ताऊ जी हैं और सबसे छोटी ये वाली बुआ जी हैं, तो सब लोगों में इतना प्यार है। और सब लोग जितनी हमारी बहनें हैं, चाहे चित्रा हमारे घर पर आए या हम चित्रा के घर जाएँ या हम अपनी ताई जी के घर जाएँ, सब लोग इतना प्यार करते हैं, मतलब बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि
कि हम किसी और के घर आएं, जैसे आप लोगों ने देखा हम ताई के घर गए थे, तो कितना मतलब हम भाइयों भाई बहनों में प्रेम है, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब ये मतलब चचेरे तहेरे भाई हैं, सब सगे जैसे ही हम लोग रहते हैं। तो आपको बता दूं, आप लोगों ने कल कहा था इयर रिंग्स और मंगलसूत्र दिखाओ, तो इयर रिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो बड़ी, मैंने पता है इनके पीछे का पेच नहीं लगाया था, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, देखो दिखाऊँगा आपको, ये देखो बहुत हल्के हैं, इनको पता है पहनने से बिल्कुल भी कान नहीं लटकते, बहुत हल्के हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं, इनको हो गए 3-4 साल, इसीलिए क्योंकि मेरी ये जो लौर है ना कान की बहुत छोटी है। बुआ कुछ बोलो ना, कैसे बैठी हो? हाँ छोटी है गौरी की लौर और आरती जी बोल रही है कि मेरा नाम लेना कल के ब्लॉग में, तो आरती कुमारी जी आपका नाम ले लिया, थैंक यू सो मच। यही छोटे मोटे से सवाल थे, माइक पता नहीं कैसे लोग हाथ में पकड़ के बात कर लेते हैं, हम तो भूल ही गए। चाची हमने बता दिया कि हम ब्लॉग बना रहे, तब भी नल खट 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 खट। हाँ तो अब हम बताएंगे आपको कि हमारी जो बुआ की जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ में थोड़ी शेयर करें। देखो हुआ क्या था, अब बुआ ने खुद कहा है कि आपके ब्लॉग में हम बताना चाहते हैं, गौरी तुम्हारे ब्लॉग में, जिससे अगर लाइफ में ये सारी सिचुएशन किसी की लाइफ में चल रही हैं तो वो कैसे हैंडल करें, तो बुआ बताओ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बुआ जो हैं, बुआ को मेरे OCD की प्रॉब्लम हुई थी 2021 में, 2017 में, जो कि ये जो बीमारी है बहुत बेकार वाली बीमारी, बहुत ख़राब है, जिसमें इंसान खुद से ही लड़ता रहता है, खुद से ही अंदर ही उसकी एक लड़ाई चलती रहती है, और जो इंसान होता है ना वो हमको नॉर्मली दिखता है। तो बताओ क्या दिक्कत होती थी आपको? मेरे लाइफ में 2017 से OCD की प्रॉब्लम हुई थी। OCD का मतलब हमारे मेरे दिमाग में, OCD एक ऐसी बीमारी होती है, जोर से बोलो, जो हर एक इंसान के अंदर होती है, पर किसी किसी को इस पर, किसी किसी को ये हावी हो जाती है, उसी तरह से मेरे पे हावी हो गई थी 2017 में। पर मेरे लाइफ में बहुत कठिनाई से 4-5-7 साल मैंने बिताए, मेरी मेडिसिन भी चली थी, पर पापा मेरे लाइफ में थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको मेरे फैमिली वालों ने, मेरे जो हस्बैंड के भाई भाई थे उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उनके बच्चों ने भी सपोर्ट करा, फिर मेरे सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों ने, मेरे 2 बिटियाँ, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये मतलब एक तरीके से हम पूरी फैमिली हिल गए थे, पता है, हम यहाँ पर जो हैं हमारे सब चाचा ताऊ, वहाँ मैं भी परेशान होती थी। बुआ का ऐसा था, रोती थी बस अगर इनको कोई लैटिन से निकलते हुए दिख जाए, उसमें मतलब ये बीमारी ऐसी होती है जो एक चीज के ही विचार बार 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 आते हैं, अगर अगर जो इंसान लड़ लेते हैं उस पर ये हावी नहीं होती। OCD हर एक इंसान के अंदर होती, पर किसी किसी पे निगेटिव थॉट ज़्यादा हावी हो जाते, उसे OCD कहते। ऐसे ही मुझे हर एक चीज़ में गंदगी नज़र आ, अभी है बुआ को है, पर है, पर बहुत कम है, ना के बराबर, नॉर्मली रह गई, अब हम नॉर्मली रह गई है। बुआ को है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई जाता है अगर वो ठीक से नहीं हाथ पैर धो के आए, या वो बाहर से आए कुछ भी, तो बुआ के साथ हम लोग बहुत एडजस्ट मतलब करते हैं कि हाँ बुआ अगर जैसे सामने बैठे या वैसे भी नॉर्मली बहुत उससे हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने अपनी बुआ को देखा है कितना सफ़र करते हुए। तो जो 4-5 साल निकले हैं ना, बहुत बेकार निकले। पहले तो बुआ हर टाइम रोती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, अब तो बिल्कुल ठीक है एक तरीके से, अब बहुत बढ़िया है। बार बार हाथ धोना, हर एक चीज़ में गंदगी नज़र आना, नेगेटिव थॉट मुझे आने लगे, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता, जिंदगी नीरस दिखाई देती। पर मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, जिसकी वजह से बस मैंने OCD को जीत लिया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप किसी के माइंड में निगेटिव थॉट आए तो उन्हें प्लीज अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे उनके कहने का मतलब ये है, ये आज आप लोगों को इसलिए बता रही है, अगर कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि चीज़ें हम पे, भले सफाई से रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमसे कोई किसी ने कोई चीज़ कह दी, तो हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे होता रहे। तो उस चीज़ को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने दो, किसी ने कुछ कहा लेट गो, भूल गए बिल्कुल, जाने दो उस चीज़ को, ऐसे रहना है, नहीं तो वो चीजें क्या हावी हो जाती हैं। अगर मुझे कोई कुछ कह दे तो वो बहुत रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती, प्रॉब्लम में फंस जाती।
अब अगर किसी को कोई एक विचार बार बार आ रहा है तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो ये बीमारी आपको घेर लेगी। इस बीमारी, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, बस जैसे अभी मैंने नोटिस करा है बुआ के दिमाग में कुछ भी चलता है ना, तो बुआ तुरंत अपने आप को समझाती हैं उस चीज़ को कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ये चीज़ बुआ में बहुत अच्छा है। और बुआ आज हमारी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। अभी थोड़ी बहुत दवाई चल रही है जो कि 5-6 महीने चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर कोई भी विचार हावी मत होने दो, मतलब कुछ भी हो, क्योंकि मेरे पास तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे थे, जिसकी हैबिट की वजह से मैं अपने जीवन में वापस आए। अगर किसी के पास सपोर्ट करने वाला नहीं होता है तो उसको ये प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो किसी कोई भी निगेटिव थॉट अपने विचार में, आज हमें पता है फूफा हमारे पुलिस में है जो कि अभी बुलंदशहर में है और मतलब अच्छी पोस्ट पे है हमारे फूफा। कैसी लगी हमारी बुआ की जर्नी? बुआ का अपने आप ही मन हुआ कि हम तुम्हें बताएं, मतलब गौरी तुम्हारे ब्लॉग में हमें लोग पसंद कर रहे हैं तो हम अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहेंगे। अगर किसी के मन पे कोई मतलब हावी हो रहे हैं विचार, तो उन विचारों में से कैसे निकलना है। तो कैसे लगी बुआ की मेरी जर्नी कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, गीत निकल रहा है भाई का, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बुआ सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते, अच्छे से करो, नमस्ते ऐसे मत करा करो। नमस्कार। तो बुआ इसीलिए डॉक्टर ने बोला है बुआ को दिन भर हंसना है, हंसते रहना है, मजाक करना, हंसाना। हाँ, तो इसलिए बुआ हमारी दिन भर हंसती हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बुआ हंसते हंसते भी रो लेती थी, पर अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही है। मैं अपने जीवन में वापस आ गई, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, अब बंद करें।